Everything you did, I'm gonna finish off. Assalamu alaikum. माशाल्लाह जी काफ़ी जो है वो हेल्प करा दी है मैंने भी और काफ़ी ये हमारी पैकिंग हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें बिल्कुल फूलों की तरह। तो जी माशाल्लाह तैयारी करके आ चुकी है क्योंकि आज जो है ना हमारे यहाँ हमारे घर में बहुत बड़ी इफ्तारी है माशाल्लाह, तो बहुत बड़ा इंतज़ाम किया गया है। ये देखें हमारी लाइफ में ये पहली बहुत बड़ी अफ्तारी है जो कि स्वीडन की सिस्टर है उनकी तरफ से दी जा रही है, और इस घर में भी होगी और उधर मस्जिद में भी होगी और बाहर टोटल मार्केट में होगी, तमाम हमसायों में जो है ना ये अफ्तार पार्टी जो है वो दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम कैरवन भाई, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सब भाइयों की दुआ। और अभी जो है मैं लेने आई हूँ गाड़ी से सामान। हाँ जी, सर जी जो है अभी लेके आए हैं तो मैंने सोचा कि ये जो है निकाल लेते हैं, फिर जो है हम काटेंगे फ्रूट वगैरह क्योंकि लेट हो रहे हैं। हाँ जी, और तो आपके सरदार साहब बर्तन लेके चले भी गए हैं आप। मैं ये ना टप उठाता हूँ, ये वजनी है, आप वो पकोड़े और खजूरें उठा लो, ठीक हो गया? हाँ, मैं वो उठा। और ये देखें जी टप में दस्तरखान वगैरह हैं, प्लेटें हैं, जग हैं, गिलास हैं, उसके बाद वो चीनी है, खजूरें हैं। खोलूं जी? ठीक हो गया। वाओ, वीआईपी पकोड़ा, वीआईपी खजूरें, वीआईपी सोनी चीनी। हाँ जी, हाँ इधर किधर जा रही हो? अच्छा यहाँ पे ना जो हमारा वो है दस्तरखान, ठीक है, वो जो बड़े वाला है पेनाफ्लेक्स, वो यहाँ पे बिछा लो, फिर यहाँ पे बैठ के सारी बस्ती की छुरियां ले लो, सुकून से फिर काटते रहो। ठीक है, वो छत पे धो के डाले थे वो ले आ, फिर जो छुरियां ले आऊंगी फिर बाद में जो होगा देखेंगे। ओके हो गया जी। यहाँ पे जी ये देखें दस्तरखान जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह लगा दिया है, मैंने कहा जो काम टाइम से होता है ना वो जल्दी से कर ले माशाल्लाह। एक साइड इधर बैठेंगे, इधर 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 इस तरह, फिर सारे यहाँ पे हम इंशाल्लाह खाने पीने की चीज़ें लगाएंगे। और ये बर्तन जो है ना सब धुले हुए हैं, ठीक है, तो ये जो है ना आप वो कर लो, क्या कहते हैं इसको, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा ना इनको वॉश कर लो, ठीक हो गया? ओके हो गया। अभी जी माशाल्लाह बर्तन जो है ना वो धोए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उधर ये झल के खड़ी है और मेरी जो सिस्टर हैं वो जो है बर्तन को अघाला दे रही हैं मतलब कि धो रही हैं। हाँ, क्योंकि से ये धुले हुए थे, सिर्फ इनको थोड़ा सा वॉश करना था पानी में दोबारा से इनको। आप भी आ चुकी हो? हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो, ठीक हो? हाँ, आप भी आ चुके हो सारे, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, धुल गए बर्तन? हाँ जी, धुल गए, बहुत शुक्रिया। ओ, और ऊपर बदल देखें जी, अभी तक हमारे ऊपर खड़े हैं। बेबो जानी क्या करवा रहे हो? काम करा रहे हो? सही है जी, सही है माशाल्लाह। इधर हाय बोल दो सबको, बोलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी इफ्तारी है, जिसने आना है आ जाओ। अभी जी हम यहाँ से अपने घर से रवाना हो रहे हैं छुरियों की तलाश में, जहाँ जहाँ हमको छुरी मिलेगी हम उसको नहीं छोड़ेंगे, उठाएंगे और उससे जो है तरबूज ज़िबाह करेंगे और बाकी सारे फ्रूट उनसे ज़िबाह करेंगे। हाँ जी भाभी, नादिया से मिल गई छुरी, और आप भी छुरी मारो। ओए मारना नहीं ऐसे, सॉरी मतलब छुरी दो। अच्छा, आप नहीं, ये मुझे मरवाना चाहता है। सही है, मरवा दो बस। थी वन शुरू तो थोड़ी सी मजाक की, ले आओ ले आओ ले आओ, ले चलो ले चलो साल ले चलो। माशाल्लाह जी इधर फ्रूट कटना जो है ना वो स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ जी। और सबा जी बैठी हैं और इधर मेरी सिस्टर बैठी हैं, और भी माशाल्लाह आ रहे हैं, सब घर वालों को कहा है कि आके काम करवाएं हमारे साथ। हाँ, तो देखते हैं कौन कौन आता है। हाँ जी, अभी जो हम मैं और सिस्टर जो जल्दी से फ्रूट वगैरह काट रहे हैं, इंशाल्लाह ये जल्दी से काट लेंगे। और बेबो का तरीका ऐसे ही थाल में फिलहाल रख देना, ठीक है? हाँ
हाँ सिर्फ काट के रख रहे हैं। हाँ बाकी प्लेटें लगाएंगे तकरीबन 6 बजे। हाँ जी, हाँ जी। जब आधा घंटा पड़ा होगा फिर हम यहाँ पे अपना रखना शुरू करने की चीज़ है। ठीक हो गया, वो दे। और देगे भी इंशाल्लाह पकने वाली हैं, आधे घंटे तक पकेंगी और 5 बजे तक देगे भी पहुँच जाएंगे। ठीक हो गया। माशाल्लाह जी अकरम भाई भी पहुंच चुके हैं और नादिया भाभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया। टाइम पर जाए कहीं ऐसा ना हो जाए, नाराज ना हो जाए कि फ्रूट वगैरह काम था कटवाने थे और जो भी काम है खरीद खरीद के वो भी करने हैं, तो भाभी मेरी ना घर बैठ गई है तो इस वजह से ना हम टाइम पर आ गए। सही है, बहुत अच्छा किया। पहुँच चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, आप ही क्या हाल है? ठीक हो? माशाल्लाह जी सिस्टर जो अफ्तारी करवा रही है ना उसने कहा पिज्जा को जरूर बुलाना है। मैंने कहा इंशाल्लाह। हाँ कहती है वो आपसे थोड़ी दूर चली गई है ना, तो आपने उनको जरूर, मैंने कहा वो तो हम इनवाइट करते हैं इंशाल्लाह, जरूर इनवाइट करेंगे। तो माशाल्लाह सिस्टर भी पहुंच चुकी हैं पिज्जा आवास व्लॉग वाले, तो अभी इंशाल्लाह तैयारियां शैरियां करते हैं। और उधर देखें भाभी नादिया खड़ी है, बुआ खड़ी है और उसके बाद अब्बास भाई खड़े हैं और फ्रूट्स वगैरह काफ़ी जो है वो काट चुके हैं, मजीद काटना शुरू है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आज तो सबा ने हाथ ही कर दी, फ्रूट धोने शुरू कर दिए जिंदगी में पहली बार। इसने कहा अफ्तारी के फ्रूट है ना, अफ्तारी के हम तो पता है खाते रहते, ये तो सबने खाना है। हाँ तो हमने ख्याल रखना है, साफ सुथरी बेहतरीन अफ्तारी करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए। माशाल्लाह ये है जी गर्मा शरीफ, ये इतने कहते हैं मीठे होते हैं ना, बहुत जबरदस्त होते हैं। अमीना आ चुकी हो? हाँ जी। क्या खाने के लिए? हाँ मिठाई तो खवा। मिठाई खवावांगे छत पान दी, जब छत डाली थी मिठाई खिलाई थी। हाँ। आप भूल जाती हो ना, माशाल्लाह जबरदस्त जी। भाभी नादिया ने चीर फाड़ डाला मतीरे को और ये मतीरा काट रही है, सब इधर जो है गोल्डन सेब काटना शुरू कर दिए हैं। हाँ जी मैंने कहा मैं जल्दी से सेब काट लेती हूँ और भाभी जो है तरबूज काट रही है। हाँ जी, और इधर क्या कहते हैं आप, फिजा ने भी सेब को पकड़ लिया जल्दी से। हाँ जी, अमरूद कहीं भाग ना जाए, खत्म कर लिया है, फिर सेबे की बारी आ गई। सेबे की बारी काटने की। जोर लगाओ। नहीं इस पे जोर नहीं। ओ सब है, बस आपको कहा ना आप ना यो करो, सारा मतीरा जो है लाल निकला है, लेकिन इस आपकी भाभी काट रही थी कितना खूबसूरत निकल रहा है, दोबारा शुरू कर दिया। ये भी इतनी नहीं है लाल, क्यों काट रही हो आप, आपका नसीब ही नहीं है। माशाल्लाह जी ये अबू की बेटी हो गई, ये अबू की बहन हो गई, माशाल्लाह आपस में गपशप लगा रहे हैं, बहुत दिनों से बाद मिल रहे हैं। हाँ हमारा चक्कर नहीं लगा, रोजे आ गए हैं। हाँ सब रोजे रख रहे हैं ना माशाल्लाह, रोजे तो मेरा बाहर निकल गया। हाँ बाहर फिर मुश्किल होता है घूमना फिरना। माशाल्लाह जी अभी सबा जो है उसने स्ट्रॉबेरी धोना शुरू कर दी है। क्या हुआ? रेड पानी निकल रहा है सारा, सारा खून तो आप जाया कर रही हैं। नहीं बोतल ले उस। इधर जो है ना माशाल्लाह बाजी केले जो हैं उनको धो रही हैं और आपने स्ट्रॉबेरी धो ली। हाँ जी सही है, अभी रख दो यहाँ पे हवा पे ना। हाँ यहाँ पे रख दिया, फिर जब मतलब टाइम होगा तो फिर जो है इसको तकसीम करके फिर जो है मस्जिद में भी देंगे। मस्जिद? मस्जिद में। ठीक माशाल्लाह जी हमारी बिरयानी जो है वो पहुँच चुकी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, एक में पूरे नहीं, एक में आधा है, एक फुल है। अच्छा ये आधा है? हाँ, वो फुल और है। दूसरा फुल है। हाँ, इस पे भी शापर चढ़वा देते। वो दे, वो दे, वो दे। हाँ वो तो फुल है माशाल्लाह। और जो पैकिंग वाली है वो ये दे, पैकिंग वाली किधर है? ये कितने डब्बे बने हैं अदर भाई? 60 डब्बे। 60 डब्बा बना है। हाँ उस हिसाब से फिर हम अपना काम करेंगे ना। सही है। और ये खाली डब्बे फ्रूट के लिए? ये ले ले। ठीक है ये खाली डब्बे ना, इसमें फ्रूट डालेंगे और ठीक है अभी उठाना शुरू करते हैं जी। नहीं, ये पड़े रहे ना ऐसे चलते हैं और जूस भी रखते हैं इसके अंदर। हाँ देते रहते हैं।
देते रहते हैं। वो तो मैं ऐसे ही कर रहा था, वो निकालने चावल के मोटा कपड़ा दिलवा दो। ठीक है, माशाल्लाह बड़ा बड़ा टप लेके आ गया। थैंक यू। कुछ छोटा है दूसरा ले, साथ चलना फिर वो लेके आने। सही है, चलो ले चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी जी रख रहे हैं, ये ना दो टप है, मतलब एक देख जो है ये टप में करवा दी है, ठीक है, और एक देख जो है वो पैकिंग करवा दी है, वो मस्जिद में और बाहर देने के लिए। ठीक हो गया, मतलब यहाँ से आपको नहीं कुछ देना पड़ेगा भाई। ये है, आप फ्रूट पैकिंग करो। ठीक है, अच्छा मैं सोच रही हूं उसमें फ्रूट आएंगे। हाँ, जो बिरयानी वाला दो डब्बे है ना, एक ऊपर ढक्कन होता है, एक वो होता है, तो वो ढक्कन भी अलहदा कर लो, ढक्कन में भी फ्रूट, दूसरे में भी फ्रूट। हाँ अलहदा अलहदा, क्योंकि उसमें फिर ज्यादा फ्रूट्स आ जाएंगे ना। हाँ जी, तो वो चावल जो है रखवा दिए हैं। तो अभी मैं ना क्या लेके, पानी की बोतलें लेके आऊँ? हाँ, पानी की बोतल ले आके चलते हैं। पानी की बोतलें ले आते हैं, फिर इसमें रखते हैं, फिर एक पानी की बोतल और एक बिरयानी का डब्बा, ये तकसीम करके आते हैं बाहर मार्केट में। ठीक हो गया, तारिक भाई को? हाँ हाँ, साथ ले चले। सही है सही है, जितने भी हो। तो अभी जी ये हम पैकिंग कर रहे हैं मस्जिद के लिए, फ्री पड़ी है, तो बाकी ये फ्रूट्स जो हैं इनकी पैकिंग करके इंशाल्लाह मस्जिद में पहुंचाएंगे। अभी जी हम जो हैं वो देख के आते हैं बाहर मार्केट से। अभी जी पानी की बोतलें जो हैं वो लेके आ चुके हैं, और एक एक बिरयानी का डब्बा, एक एक पानी की बोतल जो है वो इंशाल्लाह हम देते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी जी हम मार्केट्स में जो है वो शुरू कर रहे हैं। दुआ करनी है, दुआ। चलो क्या कर रहे हो? ठीक हो? चलो माशाल्लाह। अभी जी हमने मस्जिद में जो है वो बिरयानी लगाना शुरू कर दी है, यहाँ पे बिरयानी हम लगा रहे हैं और उधर से आ रही हैं, और फ्रूट्स घर में सारे ओके पड़े हैं, तो वो भी इंशाल्लाह यहाँ पे मंगवा रहे हैं। आमीन। जुम्मा जो थे इख्तियारी इस जामे मस्जिद में आके दोस्त अहबाब को आके गया, बड़े मेहरबानी करते आ जाए, इख्तियारी करें, रोजे खोलें। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज जुम्मा पर भी हमने ऐलान किया था, अभी फिर हमने ऐलान कर दिया है कि सब जो हैं यहाँ पे लोग वो मस्जिद में आकर इफ्तारी करें। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मस्जिद में जो है वो हम लगा रहे हैं बिरयानी भी और साथ में फ्रूट्स वगैरह भी इंशाल्लाह ताला। अभी और फ्रूट्स, पानी वगैरह, जूस की बोतलें वो सब लेने गए हैं। Thank you.
माशाल्लाह जी, इधर जो वीडियोस के अंदर आते हैं सब माशाल्लाह हमारे व्लॉगर और यूट्यूब फैमिली, तो ये सब जो हैं इधर बैठ गए हैं। बाकी जो ऑफ कैमरा हैं वो अभी साइड में बैठे हैं, जब इंशाल्लाह दुआ मांग लेंगे फिर सब यहाँ पर बैठ के एक साथ खाएंगे। तो अबू जी दुआ करवाएं, जिस सिस्टर ने जो है ये इफ्तारी करवाई है तो उनके लिए अल्लाह पाक उनको सेहत भी दे, और उनके बच्चे हैं तो उनकी शादी हो जाए, अल्लाह पाक उनके नसीब भी अच्छे करे। तो ये दुआ करवा दें। मेरा अल्लाह कोई दुख तकलीफ उन्होंने दूर फरमा मेरा अल्लाह। आमीन। मेरा अल्लाह इतने जितनी हाजिर बैठे मेरा अल्लाह तमाम दे दुख दूर फरमा मेरा मौला। आमीन। परेशानी के कारण जी अल्हम्दुलिल्लाह, गेस्ट रूम में भी सिस्टर के लिए दुआएं होंगी। अल्लाह पाक उस सिस्टर के जो बच्चे हैं अल्लाह पाक उनको शादी जो है वो नसीब में करे, और उनके नसीब भी अच्छे करे। तो उनकी घर में खुशियां ही खुशियां हों, घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 110-120 के करीब जो अफराद थे उन सब ने हाथ उठाकर दुआ की है। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको भी औलाद नरीना अता फरमाए, और गेस्ट रूम में भी दुआएं की गई हैं। अभी मस्जिद में चलते हैं और मस्जिद में भी इंशाल्लाह ताला दुआएं करवाएंगे, आप सब ने साथ रहना है। अभी जी मस्जिद में पहुंच गए हैं और लोग जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं, और बेहतरीन सिस्टम हो चुका है माशाल्लाह। और दुआ की जा रही है उस सिस्टर के लिए जिसने ये अफ्तारी दी है, अफ्तारी करवाई है। अल्लाह पाक उनकी हर मुश्किल आसान करे, और जो उनकी तमन्ना है, आरजू है, अल्लाह वो पूरी करे। जो उनके ख्वाब हैं अल्लाह वो पूरी करे। जो उनके मकसद हैं अल्लाह पाक वो उनके पूरे करे। आमीन। ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ बेबो, क्या खा रहे हो? चावल। अच्छा, हाँ जी सब खा रहे हैं माशाल्लाह। हाँ जी सब खा रहे हैं माशाल्लाह। ओके हो गया। अभी अंदर भी मेहमान कुछ आए हैं, तो यहाँ पे रखे थे, हो गया। मैंने दे दिया पानी, बना के पानी पूरा नहीं हो रहा था, दोबारा बनाया फिर दे दिया। सही है। तकरीबन मस्जिद में भी 100 बंदा था, अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपी इंतजाम हो गया। 100 बंदा उधर है, 110-120 इधर होगा, 250 बंदे तक है इफ्तारी, 250 बंदे की इफ्तारी है, 250। चले मैं अंदर, और जो बंदे बैठे उनको थोड़ा। माशाल्लाह जी, इधर भी बेहतरीन इफ्तारी हो गई है। अजहर भाई कैसा, ठीक है? माशाल्लाह, अंदाजा नहीं था, तकरीबन 300 बंदे की इफ्तारी हुई है मस्जिद में भी, अल्हम्दुलिल्लाह फुल हो गई मस्जिद, शुक्र है रब का। माशाल्लाह जी, इधर तो हमारे व्लॉगर बैठे हैं, इनकी तो वीडियो बना सकते हैं। तो फ्रूट्स भी खा लिए, अभी चावल वगैरह खा रहे हैं माशाल्लाह। तो जी अफ्तारी का जो है वो एंड हो चुका है। तो देखें यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपी अफ्तारी हो चुकी है। और सुनाए जी, रज गई हो? अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी हम इंतजामिया जो है इंशाल्लाह बाद में खाएंगे, जब ये रज जाएगी। तेरा ढेट भरिए, घर पहुंच जाओगी या रास्ते में अल्लाह खैर करे? इसलिए कम खाया, घर पहुंच। सही है। तो अभी ना काम वाली जो भाजी हैं वो बर्तन क्लोज कर रही हैं, ये देखें। माशाल्लाह गेस्ट रूम में भी नमाज अदा की जा रही है।
और अज़र भाई जो हैं वो इमाम हैं इस वक्त। अपनी बहन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मेरी बहना आपकी ये अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी, हमारी लाइफ में ये पहली बहुत बड़ी अफ्तार जो है वो दावत थी सबको कि तकरीबन 300 अफराद के करीब जो है ना उनको ये अफ्तार पार्टी दी गई है। आप अल्लाह पाक हमारी बहना को खुश रखे, उम्मीद है कि हमारी बहन ये अफ्तारी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई होगी और अल्लाह पाक ये अफ्तारी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और जो हमारी बहन के जो काम भी रुके हुए हैं, जो भी मुश्किलात हैं, अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए और उनको बहुत सारी खुशियाँ दें। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।